स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में जो क्लास टेंथ से है। जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे, मैंने इसमें लिख रखा है फीस्ट ऑफ डेड। हमारे क्लास चैप्टर मतलब क्लास टेंथ में एक चैप्टर है, एक टेक्स्ट में, इंग्लिश टेक्स्ट में, फीस्ट ऑफ डेड। फीस्ट ऑफ डेड का मतलब है मृत्यु भोज। देखो कई कम्युनिटीज़ में है ना मृत्यु भोज, कई कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि एक रूल होता है, कस्टम होती है, परंपरा होती है कि अगर किसी घर में जो डेथ होती है तो उस घर में फिर खाना नहीं बनता और कुछ दिनों तक खाना आस पड़ोस के पड़ोसी वगैरह देते हैं। इसी को मृत्यु भोज किया गया। और एक नुक्ता टाइप भी होता है, फिर बाद में 12 दिन में कई जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कस्टम्स है। तो मृत्यु भोज के बारे में है ये चैप्टर, तो मैं आपको ये ले चलता हूँ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और टर्की, टर्की मतलब एक जगह है, टर्की देश है, वैसे एक टर्किश कहानी है, ये टर्किश राइटर के द्वारा लिखी गई है। और बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया कि कितनी बड़ी क्रूरता होती है, ये कैसी सोच करवा देती है। तो मैं बात करूँगा आपको एक परिवार के बारे में जिसमें एक नाम है दुर्शन आघा, दुर्शन आघा, ठीक है, उसकी वाइफ गुलनाज। देखो स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि जेड भी लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। असन जो एल्डर सन है वो है 9 ईयर का, और एक बच्चा है, एक और सन है जो है 6 ईयर का, ठीक है। ये एक फैमिली है, एक परिवार है, फैमिली, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। जैसा कि आपको पता लग रहा है दुर्शन आघा केवल एक ओनली ब्रेड अर्नर है इस परिवार का। ब्रेड अर्नर क्या होता है? ब्रेड अर्नर होता है भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोटी कमाता है, रोजी रोटी कमाने वाला एक व्यक्ति। तो इस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण काम यही व्यक्ति है। तो क्या होता है, यही एक व्यक्ति है जो इस घर को चलाता है। क्या काम करता है? ही इज अ वाटर कैरियर, वाटर कैरियर मतलब पानी लाने वाला। देखो कई सारी कंट्रीज़ में, कई सारे देशों में, कई सारी जगह पर, स्टेट में भी कई बार जगह पे जैसे पानी के टैंकर वाले होते हैं ना, ये पानी के टैंकर वाला नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, इसके मैं बता देता हूँ आपको, इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसके पास एक खम्बा, एक लकड़ी है, दोनों साइड चेन टकती है, मतलब चेन और हुक के माध्यम से दो केन ये लेके आता है एक बारी में। एक बारी में दो केन लाता है और इसको मिलते हैं 3 कुरुश, वहाँ की वो है करेंसी, 3 कुरुश मिलते हैं एक ट्रिप के। तो इसका काम ये है, ठीक है। और इसके अलावा क्या अर्निंग होती है, गुलनाज कभी कभी उसको 7 दिनों में यानी एक सप्ते में 2-3 बार कपड़े धोने के लिए बुला लिया जाता है। तो कपड़े धोने के पैसे के अलावा वो एक थोड़ी सी चीटिंग, फेयरली चीटिंग कह सकते हैं अपन को, कि भाई वो पानी ज़्यादा ढोलती है तो उसके पति को पानी ज़्यादा मंगवाना पड़ता है। तो पति को जब अपन कहेंगे कि भाई एक ट्रिप और लाओ, एक ट्रिप से काम नहीं होगा, तो 2 ट्रिप हो गई, तो 2 ट्रिप होते हैं उधर 3 कुरुश बढ़ेंगे डायरेक्टली। तो ऐसे इनका गुजारा बसर चल रहा था। अब एक बार क्या होता है कि ऐसा ही माहौल था, झरने से लेके आता था पानी है, तो इसके साथ एक चोट हुई कि देखो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो भाई ठंड में जब ये गया वहाँ ऊपर झरने पर तो ये फिसल गया और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एक लड़का भाई ये खबर पहुँचती है गुलनाज तक पहुँचती है, तो गुलनाज स्तब्ध रह जाती है। स्तब्ध मतलब बिल्कुल परे, मतलब शॉक्ड, स्टंड, बिल्कुल हालत ख़राब की। अब कैसे वो सर्वाइव करेगी, एक 6 साल के बच्चे को और एक 9 साल के बच्चे को कैसे सर्वाइव करेगी इस इतने बुरे दौर में, जब वो एक ब्रेड अर्नर ही गायब हो गया फिर परिवार का। तो भाई इस टेंशन में ये कहानी, इस समय की कहानी है। तो भाई होता क्या है, दुर्शन आघा की डेथ हो जाती है। और आप सभी को पता है कि जब कभी डेथ होती है किसी फैमिली में तो आस पड़ोस के लोग वहाँ पर 2-3 दिन तक खाना भेजते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई, जब गुलनाज शोक मना ही रही थी उस दिन का ही, जिस दिन उसकी डेथ हुई दुर्शन आघा की, तो उसी दिन व्हाइट हाउस से, व्हाइट हाउस एक जगह है, वहीं पे सामने एक सफ़ेद मकान है, अमीरों का मकान है, उस व्हाइट हाउस से खाना आता है और बहुत ही लजीज खाना आता है, लबाबदार खाना आता है। चिकन ब्रोथ नूडल्स पके हुए आते हैं उसके अंदर, चिकन के ब्रोथ मतलब चिकन के सूप में स्वीट्स आती हैं, कोल्ड मीट आता है, और मतलब बहुत ही बेहतरीन खाना, मतलब
अगर ऑर्डिनरी परिवार होता तो आपको पता है जब किसी घर में डेथ होती है तो खाने के प्रति बिल्कुल भी ललायत नहीं होते, बट जैसे ही वो व्हाइट हाउस से जो खाना आया था वो खाना टेबल पे रखा गया तो इन लोगों ने ये भूल भी गए कि हमारे घर में मौत हुई है, इन्होंने खाना खाया बढ़िया, ठीक है, बचा कुछ शाम को खा लिया, दूसरे दिन और के फैमिली के यहाँ से आ गया, ऐसे करते करते दो तीन दिन तक इनके खाना आ गया, ठीक है, इनके अगर ऐसे ही आता रहता तो इनका काम आराम से चल रहा होता, बट दिक्कत ये हुई कि एक ना एक दिन तो ये रुकना था, हो गया रुक गया, रुकने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, रुकने के बाद क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, रुकने के बाद भाई घर में जो जो अवेलेबल था कुछ भी, भाई दाल लहसुन की कलियाँ ऑनियन कुछ भी जो खाया जा सकता था, बीन्स सब के सब इन्होंने चीज़ें खा ली। अब क्या हुआ, अब स्टार्ट होती है इनकी बुरा समय। देखो अब अपन सोचें कि गुलनाज को बुला लेगा कोई काम करने के लिए तो सो ऑब्वियसली आपके सामने एक चीज़ आती है, किसी घर में कोई डेथ हुई और अपन उसको काम ऑफर करेंगे, अपन सोचेंगे कि यार वो पहले से ही दुखी है, अपन और उसको काम के ऊपर काम मंगवा के फिर और पेंशन में देंगे, लेकिन भाई यहाँ गुलनाज को भी नहीं बुलाया, अब प्रॉब्लम आ गई स्टार्ट, अब कुछ बचा ही नहीं खाने को, अब परेशानी स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो 6 साल वाला बच्चा चिल्लाया मैं भूख को नहीं सहन कर सकता, 9 ईयर वाला भी परेशान हो ही रहा था और गुलनाज खुद भी। अब भाई क्या होता है, क्या सोचती है, ऐसे में बहुत सारी सिचुएशन इसके सामने आती है, भाई इनके घर के अंदर की सिचुएशन बिगड़ी थी बस ये, क्योंकि ब्रेड अर्नर कहाँ का गया, इनके घर का, इनकी फैमिली का गया, तो इनके घर से बाहर की जो लाइफ थी पूरे शहर की वो एज इट इज़ चल रही थी, बहुत मज़े से चल रही थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इनके ऊपर प्रभाव इनकी ध्यान भी नहीं रख रहा था, ऐसे ही चलता रहा। अब एक दिन और गुजरता है, दूसरे दिन ये कोशिश कर ही लेते कि मैं तो क्या करूँगी, ब्रेड वाले से उधार ले लूँगी, लेकिन ब्रेड वाला भी भाई इसके करेज आया ही नहीं, ब्रेड वाला बेचारा वहाँ पे आया था बट ये उससे बोल ही नहीं पाई, अब जब बोल नहीं पाई तो क्या होगा, कहाँ से वो आगे होके थोड़ी ना देखे जाएगा, तो वही बात हुई, तो गुलनाज वहाँ से भी चूक गई। उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब बीमार क्या, भूख लगी इस 6 ईयर वाले को, परेशानी हो गया वो, तो फिर इसने 9 ईयर वाले से कहा कि जाओ भाई इस गांव में, जिस गांव की ये कहानी है वहाँ पे एक बोडोज नाम का एक दुकानदार रहता था, बनिया बोल सकते हैं अपनी भाषा में अपन, किराने की दुकान वाला, तो बोडोज को कहा कि भाई, गुलनाज ने कहा 9 ईयर वाले बच्चे से कि जा बोडोज के वहाँ जाना और ये चीज़ ले आना, आलू ले आना, चावल ले आना और फ्लोर ले आना, आटा ले आना फ्लोर, है ना। तो ये क्या थी, इसकी शॉप थी हिल पे, और अक्सर जब जहाँ ठंडे देश होते हैं वहाँ पर अगर हिल्स पे होती है तो वो एक हीटर रूनुमा अंगीठी वगैरह जला के रखते हैं अंदर, तो बेचारा ये चला जाता है फटे पुराने कोट पहन के और वहाँ जाकर ये खड़ा रहता है। खड़ा क्यों रहता है, क्योंकि इसके दुकान पे बहुत सारे ग्राहक थे, तो इसने सोचा कि यार मैं मज़े भी ले लेता हूँ, गर्मी लग रही थी बढ़िया अंदर, मतलब गर्मी अच्छी लग रही थी, वार्म, ठीक है, जैसा सर्दियों में हमको तपना अच्छा लगता है वैसे ही, तो इसने सोचा कि मैं यहीं रहता हूँ थोड़ी देर बाद। और सबसे बड़ी बात तो क्या थी कि भाई उधारी की चीज़ अगर अपने को लेनी है तो अपन कोशिश ये करते हैं कि किसी के सामने नहीं बोलें, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही थी। इसने फिर बाद में वो कहा कि भाई ये चीज़ दे दो, और कोशिश की जेबों में पैसे वैसे चेक कर रहे कि भाई ओ सेट, मैं तो पैसे घर पर ही भूल आया, तो इसने कहा कोई नहीं आप लिख लीजिए, 9 ईयर ओल्ड वाले बच्चे ने कहा कि आप लिख लीजिए मैं आपको कल दे दूंगा, बार बार इधर से उधर जाऊंगा इस ठंड में तो अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़ा प्रयास था ये, बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन बोडोज भी टेक्निक जानता था कैसे व्यापार करना है, तो बोडोज ने कहा कि भाई जिनके पास घर पे पैसे होते हैं वो इतने पतले तो नहीं होते भैया, जितने जिनके पास इतने पैसे हो कि ये उतना सामान खरीद ले तो इतने पतले नहीं होते वो, तो जा पैसे लेके आ जा, और मना ही था वो सीधी बात में। अब ये गया, जैसे घर गया तो घर पे जो इसके खाली हाथ थे उन्होंने पूरी कहानी कह दी कि बोडोज ने मना कर दिया। अब भाई इसके जाते ही क्या हुआ, ठंड लग गई इसको, बुखार आ गया, और गुलनाज ने इसके ऊपर जितने कपड़े डाल सकती थी वो डाले, ठंड लग रही थी, तो फिर बाद में इसको बुखार आया तो पसीना हो गया, सारे कपड़े हटाए, और इसकी बीमार, मतलब बहुत 9 ईयर ओल्ड वाला बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, ठीक है, बीमार हो गया। अब गुलनाज के दिमाग में गया क्या करूँ मैं, तो गुलनाज घर के अंदर इधर से उधर चल रही है और सोच रही कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, और सोचते सोचते उसका दिमाग गया उन कपड़ों पर जो चीथड़े थे, जो रैग्स थे, फोकट के फटे पुराने जो कपड़े थे, उनका याद आया कि इनको अपन कल, मतलब इनको बेच देते हैं और पैसे आ जाएंगे, 2-3 दिन का काम तो चल ही जाएगा।
सही सोच थी, अच्छी सोच थी, कबाड़ी वाला लेता भी था कपड़े पुराने वाले, लेकिन अभी वो शॉप बंद हो चुकी थी। उसने निश्चय किया कि मैं कल करूँगी। इसी समय क्या होता है, ये बहुत परेशान हो रहा था, 9 ईयर वाला बहुत इधर से उधर टॉस हो रहा था, अपने अपनी बेड के ऊपर बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रहा था और बहुत प्रॉब्लम में आ रहा था, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी इसको, ना सो पा रहा था ना जग पा रहा था। इसी समय क्या होता है, 6 ईयर ओल्ड वाला बच्चा कहता है डायरेक्टली अपनी मम्मी से, इतनी आवाज़ में कि उसकी मम्मी यानी गुलनाज को समझ में आ जाए कि क्या मम्मी, ये मेरा भाई मरेगा क्या, मेरा भाई कब मरेगा, ये बोला डायरेक्ट, मेरा भाई कब मरेगा। अब भाई देखो एक बार बताओ, कोई कितना ही बीमार हो, ये प्रश्न कि ये कब मरेगा कितना ऑकवर्ड है, कितना अजीब है ना। तो उसकी मम्मी के दिमाग ख़राब हो गया, वो फिर एक और बार स्टंट कि अरे तू क्या कह रहा है। तो उसके पास गई वो और बोला बेटा ऐसा क्यों पूछा तूने। तो 6 ईयर ओल्ड वाला बच्चा है वो आया उसके पास और इतनी ऑडिबल आवाज़ में, मात्र केवल इतनी ऑडिबल कि वो खुद सुन सके, मतलब उसकी माँ और वो 6 ईयर वाला ही सुन सके, कहा कि फिर है ना खाना आएगा ना व्हाइट हाउस से। इसी के साथ कहानी की एंडिंग होती है। अब देखो आप, मतलब भूख मृत्यु भोज कितनी खतरनाक चीज़ है, कितनी बकवास कस्टम है कि एक छोटे बच्चे को ये सोचवाने कि मेरा भाई मर जाए तो बढ़िया है, उसके बाद खाना आएगा, मैं वो खाना खाऊंगा। ये कहानी एक बहुत ही मार्मिक, एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जो है उसे टच किया है और मैं कोशिश की गई है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक शॉर्ट वे में, बहुत छोटे रूप में मैंने इसको बताने की कोशिश की है। और आने वाले समय में और भी ऐसी कहानियाँ हम बताएंगे आप लोगों को। और प्लीज़ इस चैन से जुड़िए, BL वोकल फॉर लोकल, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और प्लीज़ जुड़े हमसे। जय हिंद, जय भारत।